Ladies and gentlemen, uh, as we salute uh, 75 years of Azadi ka Amrit Mahotsav, we are not sure how uh, this nectar of life that we espouse to take it forward, post independence in a country that has you know, that has so much diversity, uh, through the lenses of uh, bureaucrat, uh, politician, and of course. Walking and taking it forward to the contours of a completely different India. In conversation uh, with each other on uh, talking about this 75 years journey is Yashwan Sinha and Rashid Kidwai. Yashwan Sinha uh, is a former Indian administrator and politician, he is a part of the All India Trinamool Congress. He is also credited with boosting the funding of the National Highway Authority of India. Through a petroleum uh, cess. He was extensively written about in his stint as a finance minister in his book, Confessions of a Sodeshi Reformer. With Yashwanji is Rashid Kidwai, who's a very, very acclaimed journalist, author, columnist, and political analyst. Ladies and gentlemen, Yashwan Sinha and Rashid Kidwai in conversation to talk about India's 75 years journey. Saluting the seventy five years of Azadi Ka Ritmoh served only exclusively at Earth, a culture fest. <laughs> <laughs> कल्चरल फेस्टिवल में जो जी के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें पूर्व केंद्र मंत्री यशवंत सिन्हा जी हमारे बीच में है यशवंत सिन्हा जी का एक बहुत का लंबा अध्याय रहा है सार्वजनिक जीवन में एक ब्यूरोक्रेट के नाते उसके बाद एक राजनेता के नाते और आज भी वो देश की जितने भी संवेदनशील मामले हैं चाहे वो राजनीति में हो या कभी कभी उससे आगे जाके अदालतों का भी दरवाजा खटखटाते कर, हैं तो देश के जो पचहत्तर साल का जो हमारा आ, एक आ, सफर रहा है जिसे हम स्वतंत्रता के अमृत उत्सव के रूप में मना रहे हैं उसके यशवंत जी जो है पल पल के भागीदार रहे हैं उन्होंने आप आंख खोलते हुए स्वतंत्र भारत जो जो तमाम आ, आ, थी और जो भी रहीं उन सब को बहुत बारीकी से देखा आज के जमाने में जिस तरीके से लोग आ, एकदम से रातों रात अः एक आ, आ, सरकारी ब्यूरोसी छोड़ करके राजनीति में आ जाते हैं निजी अः या लोग जिसे कहते हैं स्वार्थ की वजह से यशवंत जी की कहानी बहुत दिलचस्प है हम उनसे ही सुनते हैं उनकी बात उनका अंदाज बहुत बहुत अच्छा है बहुत अच्छे लेखक हैं तीन किताबें तो मैंने उनकी पढ़ी है और वो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है जो रिलेटलेस वो एक अद्भुत एक डॉक्यूमेंट है मेरे ख्याल से अः देश की एक जो सफद है उसका एक धरोहर है उसमें उन्होंने बहुत सी चीजों का बड़ी ईमानदारी से खुलासा किया है ज्यादातर राजनेताओं की जो, आ, जो होती हैं मैंने बहुत लोगों अध्ययन किया है लेकिन यशवंत जी की जीवनी जो है वो बिल्कुल अलग होती है और बहुत ही अनूठी है भाषा के अलावा जो भाव और जिस तरह से ईमानदारी से वो बातें करते हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है और मेरे ख्याल से उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है तो यशवंत जी से मैं पहली बात उनको मैं आ, मौका दूंगा कि तो अपने ओपनिंग रिमार्क्स करें। उनका तो सवाल भी कहूंगा क्योंकि मैं उनकी जो किताब में मैंने पढ़ा और वो जो उनका ब्यूरोक्रेसी से प्रशासनिक सेवा में थे और बड़े बड़े महत्वपूर्ण पद पे रहे और बहुत अच्छा काम दिल्ली में जो, जो स्टूडेंट था क्या कारण हुआ कि आपने उस समय में जब बहुत कम लोग जो आई ऑफिसर थे वो आकर के राजनीति में आते थे आपने राजनीति में आने का फैसला लिया एक तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस शो में मुझे आमंत्रित किया और आ, मेरे बारे में जो शब्द कहे उसके लिए भी बहुत आपका शुक्रिया आ, मैंने जीवन एक अंदाज में जिया है शुरू से चाहे मैं ब्यूरोक्रेसी में था या राजनीति में था या अब और वो मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है उस स्वभाव के अनुसार ही हर व्यक्ति अपना जीवन जीता है तो ऊपर वाले ने मुझे एक स्वभाव दिया और मैं मैंने अपने जीवन को उसी स्वभाव के अनुसार जिया है और बहुत बड़ी है वो ये है कि मैं कुछ सिद्धांतों को लेकर चलता हूं और प्रतिकूल परिस्थिति में भी उन सिद्धांतों से मैंने कभी समझौता नहीं किया है उसकी कीमत भी हमें चुकानी पड़ी अभी आपने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बात की दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष मैनेजिंग डायरेक्टर का पद मेरे ऊपर उस समय थोपा गया जब दिल्ली में एशियन गेम्स होने वाले थे और उस मेट्रो वगैरह नहीं सारा दारोमदार डीटीसी के ऊपर था कि नेहरू स्टेडियम में जब पचहत्तर अस्सी हजार लोग इकट्ठे होंगे और जब कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद ये सब लोग भर भरा कर उस स्टेडियम से निकलेंगे तो उनको हम लोग बसों में बैठा कर कहाँ कैसे भेजेंगे एक चुनौती थी और मुझे याद पड़ता है कि हमारे जो वरिष्ठ थे सचिव थे मंत्रालय के वो जा रहे थे लंदन एक कार्यक्रम के लिए तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई यशवंत मैं जानता हूं कि तुम फेल कर जाओगे और मेरी तो नौकरी जाएगी जब मैं लंदन से लौट के आऊंगा लेकिन तुम्हारी नौकरी उसी दिन चली जाएगी तो मैंने कहा चलिए देखते हैं तो मैंने कि तो भाई जी ऐसा इंतजाम किया उन सबको बसों में बैठा के जहां वो जाना चाहते थे वहां उनको भेजा बसें ज्यादा पड़ गई मुसाफिर खत्म हो तो उसके बाद लोगों ने कहा कि ये आश्चर्यजनक चीज कैसे हुई तो वो डिटेल में जाकर इंतजाम करने की जरूरत होती है और इसलिए मैंने बहुत कुछ सीखा लेकिन इन सब सफलताओं के बावजूद डीटीसी में क्या हुआ डीटीसी में उस समय रूलिंग पार्टी केंद्र में थी कांग्रेस पार्टी इंदिरा जी थी उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री उन्हीं की पार्टी के एक ट्रेड यूनियन लीडर ने सारी मुश्किलें खड़ा करने का प्रयास किया और हमको बहुत करके समझौता कर लो मैंने कहा कि नहीं समझौते का कोई सवाल ही नहीं उठता है डीटीसी में एक दिन का स्ट्राइक हो गया बहुत परेशानी में सब लोग पड़े मैं बार बार कह रहा था कि डीटीसी के चार्ज से हमको मुक्त करो क्योंकि मेरा एडिशनल चार्ज था जी। मैं जॉइंट सेक्रेटरी था ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में और दूसरा काम था डीटीसी मेरे ऊपर और जब वो एशियन गेम्स खत्म हो गए सफलता पूर्वक तो मैं बार बार अपने मंत्री से अपने सचिव से कहता रहा मुझे छोड़ दो अब डीटीसी में किसी और को बहाल कर दो ऐसा नहीं हुआ और डीटीसी का मेरा जो अनुभव रहा अंत आते आते बहुत ही दुखद अनुभव रहा और सबसे जो मुझे एक सबक मिली उससे कि हमारे विरोधी जो थे वो तो पब्लिक में अपनी बात कह सकते थे लेकिन चूंकि मैं ब्यूरोक्रेसी में था तो मुझे स्वतंत्रता नहीं थी कि मैं अपनी बात पब्लिक में जाके कहूं तो इसलिए मुझे वो अच्छा नहीं लगा और वो एक बड़ा कारण था कि मैंने तय किया कि मैं अब नौकरी छोड़ दूंगा मेरे 24 साल पूरे हुए थे और अभी 12 साल की नौकरी बाकी थी आईएस की एक जी। एक भी भी मेरा प्रमोशन रुका नहीं नहीं था आगे भी नहीं रुकता लेकिन मैंने तय किया कि मैं आईएस की नौकरी छोड़ दूंगा और फिर सार्वजनिक जीवन में आकर देखता हूं क्या होता है तो देखा। एक वो भी एक एक और संवाद था सॉरी तो बीच में मैं आपकी बात को वो कर रहा हूँ बड़ा दिलचस्प संवाद था जो आपने किसी मुख्यमंत्री से कहा था कि देखिए मैं तो मंत्री बन सकता हूं लेकिन एक जो राजनेता है वो आई नहीं बन सकता वो क्या बात थी वो बात ऐसी थी कि जी. मैं यहाँ पर एक जिला हुआ करता था संयुक्त बिहार में जी. संथाल परगना उसका नाम और जब बिहार झारखंड एक प्रदेश था तो वो सबसे बड़ा जिला होता था और मैं एक यंग आई ऑफिसर की तरह वहां पर गया जब पोस्टेड हुआ एज डिप्टी कमिश्नर आप इसी बात से अंदाज लगा सकते हैं कि उस उस पुराने जिले में आप छह जिले बन गए हैं जितने सब डिवीज़न थे वो सारे के सारे जिला बन गए तो उस जिले का मैं डिप्टी कमिश्नर था और भीषण अकाल पड़ा हुआ था बिहार में भीषण अकाल तो मैं उसी में व्यस्त था कि कैसे फ्री किचन ऑर्गेनाइज करो ये करो वो करो किसी को मरने मत दो सब लोगों तक खाना पहुंचाओ राशन पहुंचाओ इसी में था इसी वक्त क्या हुआ कि हमारे जिले में उस समय प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो आए एक और मंत्री जी के साथ और वहां पर कुछ बातचीत हुई फिर दुर्भाग्य से बातचीत आगे बढ़ गई जो नहीं बढ़नी चाहिए थी और जब मुझे लगा कि मेरे साथ वो लोग गलत सलूक कर रहे हैं सब लोगों के सामने हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था तो मैंने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट किया तो फिर बात और आगे बढ़ी और उस पर वो जो मुख्यमंत्री जी थे उन्होंने टेबल पर मुक्का मार के कहा कि डू यू नो हु टू यू आर टॉकिंग टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार तो मैंने उनसे कहा कि मुझे बिल्कुल पता है कि मैं किससे बात कर रहा हूं uh, लेकिन मैं अपने कभी भी ऑनर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा तो उसके बाद वो मंत्री जी जो थे उन्होंने कहा कि यू कैन गो एंड लुक फॉर अदर जॉब। तो हमने कहा कि वो जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए मैं बहुत ज्यादा इस नौकरी से अटैच नहीं हूं और मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी लेकिन आप कभी आइए नहीं बन पाएंगे मैं तो नेता बन जाऊंगा अगर चाहूंगा तो ये बात जी जी बहुत दिलचस्प बात आपने बताई मुझे लगता है ये प्रोग्राम जो कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा लगेगा अब सिन्हा साहब देखिए देश आजादी का पचहत्तरवा अमृत महोत्सव मना रहा है बहुत सी जैसे मैंने कहा और आपने भी लिखा मेरी किताब की भारत के प्रधानमंत्री के प्रस्तावना में आपने लिखा कि बहुत हमने बहुत कुछ पाया है कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें आज डिस्टर्ब करती हैं जैसे पब्लिक लाइफ में जो आज एक राजनेताओं की जो छवि है नेताओं की छवि है नेताओं की एक वो वाली छवि नहीं है जो आजादी से पहले या आजादी के बाद थी उस संदर्भ में मैं आपसे सिर्फ एक बार फिर क्योंकि मैंने आपकी लेखनी पढ़ी है और आपको करीब से जाना है उस संदर्भ में आपने कर्पूरी ठाकुर साहब के घर में क्या देखा जब आप उनके गाँव में गए थे और उनकी पत्नी ने चाय पिलाई थी उसका आप कुछ उल्लेख करेंगे ताकि आज की यंग जनरेशन है जो अठारह से पच्चीस तीस साल की है उसे पता चले कि देश असल में राजनेता क्या होता है देखिए ऐसा है मैं मानता हूं इस अपना एक सौभाग्य कि मुझे एक आई ऑफिसर के रूप में कर्पूरी ठाकुर जी जैसे व्यक्तित्व के साथ काम करने का मौका मिला और उसकी पृष्ठभूमि यह है कि मैं इस जो झगड़ा हुआ था हमारा चीफ मिनिस्टर के साथ उसके बाद मैं भारत सरकार में आ गया फिर मैं जर्मनी में, में मेरी पोस्टिंग हो गई बिकॉज हम कॉमर्स मिनिस्ट्री में थे सात साल के बाद हम बिहार लौट के गए तो कर्पूरी जी इसी बीच में वहां मुख्यमंत्री बन गए थे जनता पार्टी का शासन आ गया था और कर्पूरी जी ने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि मुझे एक बहुत 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 ईमानदार ऑफिसर चाहिए तो चीफ सेक्रेटरी ने मेरा नाम सजेस्ट किया तो कर्पूरी जी ने मुझे सेलेक्ट कर लिया उस प्रिंसिपल सेक्रेटरी पहले से जानता नहीं था लेकिन उन्होंने दुमका में जो घटना घटी थी मेरे साथ उसके बारे में वो जानते थे और उनकी ये धारणा थी कि कोई बहुत ईमानदार अफसर ही इस तरह मुख्यमंत्री से लड़ सकता है तो इसलिए उन्होंने मुझे अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया और मैंने वहां उनके साथ जब तक वो मुख्यमंत्री रहे तो मैंने उनके साथ काम किया लगभग दो साल से ऊपर तो इसी बीच में उनका जो बड़ा बंगला था चीफ मिनिस्टर का वहां वो अपने परिवार को नहीं रखते थे और मुझे लोगों ने बना बताया कि उनकी पत्नी गांव में रहती हैं और ये भी कहा कि आप विश्वास भी नहीं करेंगे कि किस परिस्थिति में गर्पुरी जी का परिवार गांव में रहता है तो एक दिन मैंने कहा चलो हम जाके देखना चाहेंगे और उनकी पत्नी से मिलना चाहेंगे तो मैं उनके गांव में गया गांव में गया तो उनके घर गया घर उनका छोटा सा एक पुटपुजिया सा छप्पर वाला खपड़ेल घर था और फिर लोगों ने हमारा परिचय कराया उनकी पत्नी से कि आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं कर्पूरी जी के साथ काम करते हैं बड़े ऊंचे पदाधिकारी हैं इत्यादि तो वो मिलकर बहुत खुश हुई बिल्कुल ही ठेठ देहाती महिला थी फिर उन्होंने कहा कि आप चाय पी के जाइए मैंने कहा नहीं 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 तो नहीं चाय पी के उनके घर में कुर्सी नहीं थी बैठने के लिए एक आठ का स्टूल था जिसके ऊपर मैं बैठा और मिसेस करपुरी ठाकुर जो मेरे लिए चाय बना रही थी वो एक मिट्टी का चूल्हा जो होता है घर में वही मिट्टी का चूल्हा था जिसमें कि लकड़ी डाल के आग जलाते हैं और उसी आग पर उन्होंने किसी किसी तरह मेरे लिए एक कप चाय बनाया अब आप सोचिए आज के युग की बात आप कर रहे थे कि कर्पूरी जी तीसरी या चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे उसके पहले वो मंत्री थे बहुत जाने माने नेता थे लेकिन ईमानदारी का आलम यह था कि उनका जो टूटा फूटा खपड़े घर था गांव में उसी में उनकी पत्नी रहती थी कोई मॉडर्न आडंबर उसमें नहीं था और मैंने बताया कि चाय कैसे पिला बनाकर उन्होंने मुझे पिलाया किसी दिलचस्प मैं तो थोड़ा सुन के भावुक हो गया कितनी बड़े बड़े लोग 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 असल में वो लो बड़े लोग थे जो सही आप इससे पहले कि मैं वर्तमान और भविष्य के भारत की बात करूं मैं आपसे जिज्ञासा के रूप में जाना चाहूंगा यशवंत जी की आप जब आपने आजादी की आपकी क्या जो है किस किस्म की यादें जुड़ी हुई है पहली आप बहुत बहुत कम उम्र थी जब भारत ने आप, आपको आजादी मिली लेकिन पहली आपकी क्या यादें हैं जिससे आपको लगा कि आप आजाद भारत में हैं किस तरह की कि 1947 उन्नीस उसके सैतालीस में? 1947, 1947 में मैं दस साल का था और मुझे एक ही बात याद है कि 15 अगस्त को जब मैं स्कूल गया तो वहां पर हमारे टीचर्स मिठाई बांट रहे थे और वो ये कह रहे थे कि हम आजाद हो गए हम आजाद हो गए क्या हो गया मुझे नहीं पता उस समय बात समझ में नहीं आती थी लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ू मैं आपको बता दू कि 1942 की कुछ कुछ याददाश्त हमको है अरे वाह और 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ गांधी जी का तो उसके बाद पूरे देश में एक दमन का चक्र चला और मैं जिस घर में रहता था कदम कु पटना में हमें अभी भी वो दृश्य याद है कि वहां पर एक मेन रोड था साहित्य सम्मेलन का भवन वहां पर है उस मेन रोड पर कुछ लोगों ने एक पेड़ काट के गिरा दिया था कि ट्रैफिक उधर से पास नहीं हो तो हमारे तय किया था कि हम जो कुछ भी है लाठी है डंडा है कुछ भी है उसको लेकर तुम लोग तैयार रहो कि अगर गोरे घर में घुसने की कोशिश करेंगे या बेइज्जत करने की कोशिश करेंगे महिलाओं को तो उनका मुकाबला किया जा सकता है मुकाबला हो नहीं सकता क्योंकि उनके पास तो बंदूक थी तो वो दृश्य मुझे याद है कि कि छत के के कोने में छुप के देखा वहां पर गोरे उतरे उस समय हमको लगा बचपन में कि ये तो बंदर की तरह दिखते हैं इतने गोरे गोरे थे वो लोग तो गोरे उतरे उन्होंने उसको हटाया लेकिन फॉर्चुनेटली वो हम लोग के घर में घुसे नहीं स्ट्रीट में नहीं आए और वहां से आगे चल दिए तो ये बयालीस की याद मैंने आटी गई बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है लेकिन इतना क्लियर था कि उसको आजादी मिल गई गोरों से यशवंत जी आपने आपने आजादी के जिक्र करा उसके बहुत ही आपने दिलचस्प घटना का भी उल्लेख किया उसके बाद आपने देखा कि आजाद भारत में बड़े उतार चढ़ाव आए बहुत सी अच्छे काम हुए बहुत तरक्की हुई और बहुत सी बात यह भी कही जाती है कि कमियां रह गई और खासतौर से जब आपने राजनीति में आया सार्वजनिक जीवन में आए तो आपने कांग्रेस के की विपक्ष की, की भूमिका में आए उस संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका क्योंकि आप एक आपका गंभीर व्यक्तित्व है आप संजीदा इंसान हैं, आप ने इतनी बड़े बड़े पर रहे हैं, भारत का न सिर्फ देश में बल्कि भारत का विदेश में भी प्रतिनिधित्व तो किया है बड़े ऊंचे लेवल पे वो आपके वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के कार्यकाल की बात मैं बाद में करूंगा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ की पिछली जो दशकों की कहानी वो क्या है क्या गिलास आधा भरा रहा या आधा खाली रहा नहीं देखिये गिलास आ... कभी भी पूरा भरता नहीं है आधा खाली हो तीन चौथाई खाली हो तीन चौथाई भरा हो वो डिपेंड करता है कि किस दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं परिस्थितियों को एक जनरल बात कहूंगा शायद मैं भी हो सकता है कि उसका दोषी हूं कि हम जब किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं किसी काल के बारे में युग युग के बारे में सोचते हैं तो हम आज की परिस्थिति के अनुसार उसके बारे में सोचते हैं उस समय क्या परिस्थिति रही उसके बारे में हम पूरी तरह से वाकिफ नहीं होते बहुत अध्ययन करें तो शायद परिस्थितियों का सही आकलन कर पाए आप देखेंगे कि इतना पढ़ाई लिखाई करके कौन आकलन करता है और खास करके राजनीति में तो बिल्कुल धक्काशाही चलती है कि एक लाइन चल पड़ा उसी लाइन पर सब लोग चल पड़े और अपनी बात कहने लगे और दूसरी बात यह है कि राजनीति में कौन कितना पढ़ा लिखा है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है तो अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी इतिहास की खास तौर पर और इतिहास की घटनाओं की टेलीप्रॉम्प्टर अगर सामने हो तो कोई बोल लेगा लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर के अलावा भी अपने ज्ञान से बोलना एक दूसरी बात होती है तो मैं मानता हूं कि एक बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि हमें आजादी मिली 15 अगस्त उन्नीस को और उस समय छियालीस बल्कि 45 आप कह लीजिए छियालीस सैतालीस तक देश में कितने सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे भयंकर स्थिति थी और उसी में देश का बंटवारा हो गया जी हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग देश बन गए और उसी परिस्थिति में 1946 के अंत में हमारी संविधान सभा बैठी और छियालीस सैतालीस अड़तालीस उनचास के नवंबर में उन्होंने फाइनलाइज किया भारत का संविधान तो उस उस पृष्ठभूमि को अगर आप याद करें कितना बड़ा सांप्रदायिक दंगा हुआ हजारों लोगों की लाशें गिरी देश का बंटवारा हो गया बहुत आसान था ना ये कह देना कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा बहुत आसान था पाकिस्तान तो बन गया इस्लामिक स्टेट तो पाकिस्तान बन गया इस्लामिक स्टेट भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं उन सब प्रोभोकेशन और परिस्थितियों के बावजूद हमारे जो मनीषी बैठे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और वो सब लोग चुन कर आए थे भारत के विभिन्न भागों से उन लोगों ने तय किया कि भारत एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक लिबरल स्टेट बनेगा और उस रास्ते हम लोग आगे चले किसको श्रेय जाएगा इस बात का ये श्रेय जाएगा उस समय के नेतृत्व को जिस नेतृत्व ने यह तय किया कि इंडिया विल बी ए सेक्युलर डेमोक्रेटिक स्टेट तो नेतृत्व का प्रभाव था देश की जनता ने इस बात को स्वीकार कर लिया फिर हम आगे बढ़े बहुत बहुत दिक्कतें थी क्या लिटरेसी रेट था इंडिया का 1947 में क्या हमारा हमारी एवरेज हमारा एज था कि इतने दिन तक हम लॉन्जिविटी जिसको कहते हैं जी, जी, जी. सब सारी परिस्थितियों के बावजूद धीरे धीरे करके हमने आगे बढ़ने का काम किया अब हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में तो आप ही जानते हैं कि हम तीन साढ़े तीन प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ पाए लेकिन शायद उस समय इतना ही हम अचीव कर पाते इससे ज्यादा अचीव करना मुश्किल था लेकिन आज हम बैठ के कहें कि क्यों नहीं हम दस परसेंट ग्रोथ हमने पाया क्यों नहीं हमने आठ परसेंट ग्रोथ पाया क्यों हम तीन परसेंट पर अटक के रह गए तो वो यही व्यक्ति प्रकार की बात कर सकता है या वह व्यक्ति जो उस समय की सारी परिस्थितियों का आकलन करने में असमर्थ है तो फिर आगे 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 धीरे धीरे करके मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि सब कुछ उस समय बिल्कुल ठीक ठाक था, था चीन के साथ हमारा जो युद्ध हुआ उसमें हमारी बुरी तरह से पराजय हुई देश की साइकी के ऊपर उसका बहुत गंभीर असर पड़ा तो ये सब बातें थी लेकिन क्या हम इंदिरा गांधी हम कभी कांग्रेस पार्टी में नहीं रहे ना रहेंगे और आपने कभी पूछा हमसे था थोड़ी देर पहले तो मैं जब उन्नीस सौ में मैंने आई की नौकरी छोड़ी तो मैं कांग्रेस पार्टी में भी जा सकता था लेकिन मैंने तय किया कि मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं जाऊंगा मैं विपक्षी पार्टी में जाऊंगा और चूंकि जेपी से मेरा व्यक्तिगत लगाव था तो मुझे ये लगा कि जनता पार्टी जेपी ने बनाई थी तो मैं जनता पार्टी में चला गया लेकिन मैं बात ये कह रहा हूं कि उस समय की परिस्थितियों के अनुसार हमें उस समय के निर्णयों को फैसलों को समझना चाहिए मेरे मेरे मन में भी किदवे जी ये सवाल उठता रहा है बराबर कि शिमला में जब तिरानवे हजार पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे पाकिस्तान डाउन एंड आउट था पाकिस्तान के दो टुकड़े हो चुके थे तो शिमला में मिसेस गांधी ने क्यों नहीं पूरा कश्मीर भारत के लिए ले लिया ले सकती थी अगर हम बिल्कुल बंद कमरे में आइसोलेट करके अपने को सोचे तो शायद ये ख्याल आएगा कि सब कुछ भारत के पक्ष में था हम कर सकते थे लेकिन हम भूल जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां क्या थी अमेरिका ने अपना सेवंथ फ्लीट भेज दिया था ऑफ बंगाल उस समय हम एक ला, रेड लाइन था उस रेड लाइन को हम क्रॉस करते हैं तो हमारे लिए बहुत भारी परेशानी खड़ी हो सकती थी तब तो बात समझ में आती है कहां ठीक है इसलिए हम एक पॉइंट के बियॉन्ड पाकिस्तान को नहीं दबा सकते थे सर आपने कश्मीर का जिक्र किया कश्मीर पर मुझे ध्यान आता है कि आप एक आ, कश्मीर का एक ग्रुप बना था और उसमें बड़े आ, अच्छे और विद्वान लोग या जो लोग जो कश्मीर की परिस्थितियों से वाकिफ थे उनको उस, वो सब उस ग्रुप में शामिल थे आप उसके हेड थे वो क्या आपने किस टाइप का कोई आ, क्या उस मसले का कोई समाधान आपने ऑफर किया था और उसका क्या हुआ देखिये ऐसा है कि अभी फिर हम लोग उस ग्रुप में कश्मीर जा रहे हैं मार्च के थर्ड फोर्थ वीक में हम लोग जहां तक मुझे ख्याल है कि नौ बार हम लोग कश्मीर जा चुके हैं और आ, आ, हर बार आकर हम लोगों ने रिपोर्ट आ, आ, दिया है सरकार को भी दिया है और प्रेस में भी रिलीज किया है और बहुत ज्ञान है उन रिपोर्ट्स में अगर कोई पढ़ने की का कष्ट उठाए तो लेकिन मुझे लगता है कि आज के दिन सरकार में बैठे लोग कोई बाहर की आवाज नहीं सुनना चाहते वो जो एक अंदर से आवाज आ रही है उसी के आधार पर अपनी नीत बना रहे हैं और तरह तरह का प्रचार हो रहा है जैसे एक उदाहरण आपके सामने रखूं कि जब नोटबंदी हुई तो आपको याद है ना कि नोटबंदी के बारे में ये कहा गया कि साहब कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म हो गई कश्मीर में जो आतंकवाद था वो खत्म हो गया देखिए सब कुछ साफ सुथरा हो गया उसी तरह धारा 370 और पैंतीस जब समाप्त हुआ तो यही कहा गया कि कश्मीर आतंकवाद खत्म हो गया क्या खत्म हो गया आज के दिन कश्मीर में आतंकवाद है या नहीं है और इसीलिए मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोगों के रिपोर्ट का जो मूल मंत्र था वो ये था कि इस रास्ते हम कश्मीरी कश्मीर के लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं हमें उनसे प्यार की बोली में बात करनी पड़ेगी सारी परिस्थितियों को उनसे बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा इसलिए हम लोगों ने कहा बार बार जोर दे के डायलॉग इज द ओनली वे आउट हमें सारे स्टेक होल्डर से कश्मीर में बैठकर बातचीत करनी चाहिए और ये कुछ बहुत अजूबी बात हम नहीं कह रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी वाजपेयी ने जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था ना कश्मीरियत जमहूरियत इंसानियत और मैं आपसे कहना चाहता हूं आडवाणी जी को हम लोग हार्डलाइनर मानते थे आडवाणी जी हुरियत से बातचीत शुरू हो गई थी वो तो हम लोग की सरकार चली गई 2004 में लेकिन हुरियत से बातचीत शुरू हो गई थी उसकी भी बात छोड़ दिए कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार कि क्या नीति थी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज वर्तमान जो हुकूमत में बैठे लोग हैं इन्होंने ही मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी के साथ मिलकर कश्मीर में सरकार बनाई थी और उस समय एक एजेंडा ऑफ गवर्नेंस बना था उस एजेंडा ऑफ गवर्नेंस को पढ़ने का कष्ट अगर आप उठाएं, तो उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है हम इसी रास्ते चलेंगे डायलॉग हमारा मूल मंत्र होगा हम सब स्टेक होल्डर से बात करेंगे और बॉर्डर जो लोग बैठे हैं उनसे भी बात करेंगे ये लिखा हुआ है साफ लेकिन हमने क्या हमारे कहने पर सरकार ने ये कदम उठाया नहीं उस समय अपनी अकल के अनुसार उन्होंने उठाया और उससे बिल्कुल हटकर अब दूसरी नीति पर चलने लगे लेकिन दिक्कत यह है कि सब कुछ हमारे मुल्क में आज जो है वो इस पर डिपेंड करता है कि आपका प्रचार तंत्र जो है वो कितना मजबूत है अगर प्रचार तंत्र मजबूत है तो आप दिन को रात और रात को दिन बना सकते हैं तो वो भी सही था आज इस नीत पर हम लोग चल रहे हैं वो भी सही है जी देखिए समय कम है और मुझे आपसे बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है इसलिए मैं आपसे जल्दी जल्दी दो तीन चीजें पूछना चाहता हूं जो आपने अभी एक बड़ा गंभीर विषय उठाया है और उसमें हम देखते हैं कि लोकतंत्र है लोकतंत्र की हमें एक परिभाषा पता है और एक सरकार या एक व्यक्ति विशेष या एक राजनीतिक समूह वो चुनाव जीतता है बार बार चुनाव जीतता है और उसके बाद में एक आ, जो सिविल सोसाइटीज है या विपक्ष है या आ, कुछ मामलों में अदालती फैसले होते हैं उनको एक तरीके से कुछ चुनौती दी जाती है या ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है उनको कटे इसको आप सब चीजों को कैसे देखते हैं क्या लोकतंत्र का जो अभिप्राय है अर्थ यही है कि जो आदमी जीत जाए वो हर चीज का आ, एक उसके ऊपर उसको एक अधिकार मिल जाता है कि वो अपने हिसाब से नीतियां तय करे या ये जो इस तरह से लिखनी हुई चीजें होती है इनको भी समेट के चलना होता है देखिए संख्या बल प्रजातंत्र नहीं है प्रजातंत्र का एक अंश है एक तरीका है प्रजातंत्र का मूल मंत्र है कंसेंसस लोगों की सहमति अगर कंसेंसस नहीं है तो आप नंबर्स के आधार पर पार्लियामेंट में कुछ भी कर सकते हैं विधानसभाओं में कुछ भी कर सकते हैं लेकिन लोग आपके साथ नहीं होंगे लोग आपके साथ उसी समय होंगे जब आप सबको जैसा आपने कहा समेट कर चलने का प्रयास करेंगे और समेट कर चला ना इसी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी बाईस दलों को समेट कर अपनी सरकार उन्होंने चलाई आधार क्या था आधार था कंसेंसस आधार था सहमति और सहमति केवल उन बाईस दलों में नहीं उन्होंने सहमति तो बनाई विपक्ष के साथ मुझे अभी भी याद है कि अक्सर सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री वाजपेयी की मुलाकात होती थी लगभग हर मुद्दे पर वो बात करते थे कारगिल का जब सवाल आया तो उन्होंने सर्वदलीय बैठकें बुलाई जब वो प्लेन हाईजैक हो गया था जिसको कंधार ले जाया गया तो उस समय सर्वदलीय बैठकें होती थी और पार्लियामेंट एक जीवंत संस्था थी जहां सच माने में बहस होती थी दोनों तरफ के, के लोग अपनी बात रखते थे ऐसा नहीं था कि हम संख्या बल के आधार पर जो चाहें वो कर लेंगे और रौद कर निकल जाएंगे ऑपोजिशन को क्यों ब्रिटेन में जिसका हम लोगों ने अपनाया है वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उसमें क्यों कहा जाता है हर मैजिस्ट ऑपोजिशन क्योंकि ऑपोजिशन इज आज मत ए पार्ट ऑफ गवर्नेस एज मंत्र सहमति का और प्रजातंत्र तो जैसे आज बिखरा हुआ बहुत अफसोस के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ नहीं बिल्कुल नहीं, आप बड़ी अच्छी बात और स्पष्ट बात कह रहे हैं तो एक आपके व्यक्तित्व का बहुत बड़ा एक चीज है जिसको मुझे लगता है कि उसका थोड़ा कम आ, आ, चर्चा होती है वो ये कि जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक तरीके का आर्थिक सुधारों का क्रेडिट दिया जाता है आपका जो एक आपने उसमें जो इस तरीके से मैं कहूंगा फाइन ट्यूनिंग की जो एक उसको एक स्वदेशी रिफॉर्मर जिसका आपने तस्करा भी किया है पूरे किताब के रूप में उसका आप कुछ उल्लेख करना चाहेंगे उसमें और ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं जो हमारी पचहत्तर साल की जो सफर है उसमें उसका क्या अलग कैसे था और आपने उसमें समन्वय कैसे बिठाया देखिए इस देश की अर्थव्यवस्था जो है उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा भाग है जी और हमारी आबादी का पचपन प्रतिशत तो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है कृषि और दूसरी चीजों पर निर्भर है तो इसलिए मूल मंत्र क्या है मुझे याद है कि जब मैं पहला बजट बना रहा था तो मैं वाजपेयी जी के पास गया और उनसे मैंने पूछा कि आपका क्या मार्गदर्शन है तो उन्होंने मुझसे कहा कि यशवंत जी किसानों का ध्यान रखिएगा और आपको याद होगा कि पहले बजट में हमने किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था लागू की पहला बजट और केसीसी अभी मैं झारखंड के गांव में बैठा हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी भी अगर कोई सबसे सफल योजना रही है दशकों में तो वो रही है किसान क्रेडिट कार्ड फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो हम लोगों ने लागू की तो बहुत सारी जो अर्थव्यवस्था में हम लोगों ने सुधार लाया वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ था उसका नतीजा ये हुआ कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का काफी हद तक शहरीकरण हुआ एक्सेस मिला उसको और उससे गांव में तरक्की आई तो अक्सर हम इस बात को भूल जाते हैं ठीक है हमारे देश में जो उद्योग है और खास करके जो बड़े उद्योग हैं उद्योगपति हैं उनका भी अपना महत्व है ये मैं नहीं कर रहा हूं कि उनको आप नेग्लेक्ट करके या उनको नजरअंदाज करके चलिए उनको भी ध्यान में रखना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा पूंजी निवेश को और खास करके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा लेकिन हमारे अर्थ व्यवस्था के के और आर्थिक मूल में हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था होनी चाहिए और मैंने प्रयास यही किया मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि दिल्ली के एक बड़े टीवी चैनल के बड़े एंकर थे उनसे हमारी बात हो रही थी तो उस समय मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में आ गया था तो उन्होंने हमसे कहा कि मिस्टर सिन्हा टेल मी व्हाट यू डी लगा रिगार्ड एज योर मोस्ट इंपोर्टेंट अचीवमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो मैंने उनसे कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड तो वो अपनी कुर्सी से गिरते गिरते बचे क्योंकि हमारे जहन में नहीं होता है कि किसान भी कोई चीज है अभी इतना बड़ा आंदोलन हुआ तब किसानी और किसान ध्यान में आए हैं लेकिन उस समय कौन बदल कर रहा आप उद्योगपतियों के लिए सब कुछ कर दीजिए और होगा कि टैक्स रेट उनका कम कर दीजिए तो बहुत वाहवाही होगी सारी मीडिया आपकी तारीफ करेगी आपका बजट जो है वो ड्रीम बजट बन जाएगा और नहीं तो कोई कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर वित्त मंत्री मैं भी बजट डिस्कशन जो होता था प्री बजट मीटिंग्स में तो प्री बजेट मीटिंग में सब लोग किसानों को बुलाते हैं सबसे पहले फार्मर्स रिप्रेजेंटेटिव्स तो वो लोग आते थे नॉर्थ ब्लॉक में कॉन्फ्रेंस रूम में बातचीत करने के लिए एक दूरदर्शन का कैमरा होता था और किसी को इंटरेस्ट उसमें नहीं था कि इनके फोटो खींचो और वही जब उद्योगपतियों का बुलाते थे सीआईआई और फिक्कि और इस तरह के लोग आते थे तो फोटोग्राफर्स एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते उनका फोटो खींचते थे तो ये है एक फर्क नजरिया में ये बड़ा आपने इसका बताया एक छोटे से किस्से से कि भारत और इंडिया का जो हम बताते हैं कि एक वेद है उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से इजहार किया आपको बड़े आ, आ, मान सम्मान भी मिले आपको आ, फ्रांस में एक बहुत बड़ा अवार्ड और रिकग्निशन मिला आपने देश के तमाम मामलों में आपने कश्मीर का जिक्र किया बहुत सी चीजें इस पे अभी चर्चा नहीं हो पाई आपने हमेशा एक नेशनल विजन आपकी रही है एक तो एक आपका इंटरनेशनल लेवल पे भूमिका रही देश के विदेश मंत्री के रूप में आप यशवंत जी एक मन में प्रश्न आता है कि आपने क्षेत्रीय दल के आप उपाध्यक्ष क्यों बने क्षेत्रीय <laughs> दल हमने क्यों ज्वाइन किया वैसे उसका नाम है ऑल इंडिया <laughs> तो इसलिए और वो बढ़ने का प्रयास कर रही है अब आ, देश के भागों में लेकिन आ, मैं आपसे बिल्कुल कहना चाहता हूं कि जब मैंने टीएमसी ज्वाइन किया उसके बाद तो बहुत लोगों ने टीएमसी ज्वाइन किया टीएमसी जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस समय वहां पर चुनाव होने वाले थे बंगाल के विधानसभा के चुनाव और प्रचार जो था पूरी गोदी मीडिया लगी हुई थी ये साबित करने के लिए टीएमसी बुरी तरह हार रही है और भारतीय जनता पार्टी दो तिहाई बहुमत के साथ वहां पर सरकार बनाएगी आपको याद है नारा अब की बार दो सौ पार उनका नारा था अब की बार दो सौ पार तो मुझे लगा कि बंगाल में बीजेपी को जीतना नहीं चाहिए बंगाल में बीजेपी को कौन हरा सकता है टीएमसी टीएमसी शासन में भी थी तो इसलिए एक दिन बैठे बैठे मेरे मन में यह ख्याल आया कि उसके पहले भी मैं टीएमसी के लिए प्रचार करता था उस पार्टी में नहीं होने के बावजूद लेकिन मैंने सोचा कि इस बार मैं अंदर जाऊं टीएमसी में जाकर जो कुछ मैं कर सकता हूं बंगाल के चुनाव के लिए उस समय उस समय मुझे वो मुझे करना चाहिए और बंगाल में मैं बताऊं आपको कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट है उस इंडस्ट्रियल बेल्ट में हिंदी स्पीकिंग लोग बहुत है। तो मुझे लगा कि शायद उनके बीच में मैं जाऊं तो कुछ फर्क पड़ेगा तो इसलिए मैंने बेश, बिना शर्त के एक मैसेज भेजा कि मैं टीएमसी ज्वाइन करना चाहता हूं तुरंत उस पर कार्रवाई हुई और दूसरे दिन मैंने कलकत्ते में टीएमसी ज्वाइन कर बहुत बहुत अच्छा मेरा मन तो कर रहा है कि आपसे अभी घंटा दो घंटा ही चर्चा आ, आ, चलती रहे लेकिन बस मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछना यह चाहता हूं कि देश इस समय दे, आ, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव बना रहा है आप आपके में और वो मुझे पता है कि वो राजनीति से हटके होगा आपका जवाब आप भारत को कहाँ देखते हैं अगले दस वर्ष में और जब भारत अपने आ, सौ साल पूरे करेगा आपको भारत के में विश्व में जो देश है एक, एक जिसे हम कहते हैं सिविलाइजेशन लेवल पे एक, एक, एक के हिसाब से जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है ह्यूमन इंडेक्स है, जिस तरह से हम स्वीडन और नॉर्वे और डेनमार्क वगैरह चर्चा करते हैं कि वो उस हाई रहते हैं, हैं? है? तो संक्षेप में ये कहना चाहूंगा कि सत्तर के दशक में जब मैं विदेश में नौकरी करता था तो उस समय विदेशियों का एक पिट क्वेश्चन था अब वो जी. पिट क्वेश्चन ये था कि आप प्रजातंत्र चाइना डिक्टेटरशिप है देखो चाइना कहां से कहां चला गया आप प्रजातंत्र प्रजातंत्र करते रहे लेकिन आप कितने पिछड़े हुए तो बुरा लगता था सुनने में लेकिन हम लोग जोर दे इस बात को कहते थे कि नहीं हम प्रजातंत्र हैं और प्रजातांत्रिक देश ही रहेंगे तो दुनिया में यह बहस चलती थी कि क्या प्रजातांत्रिक देश हाई ग्रोथ रेट अचीव कर सकता है और भारत ने यह प्रूव करके दिखाया कि प्रजातांत्रिक देश होने के बावजूद हम आठ परसेंट दस परसेंट का ग्रोथ रेट अचीव कर सकते हैं और किया भी 2003 हजार जो अंतिम वर्ष था अटल बिहारी वाजपेयी के शासन का उस समय से लेकर 2008 तक पांच वर्षों तक भारत की अर्थव्यवस्था का विकास दर जो था वो आठ प्रतिशत नौ प्रतिशत के दस प्रतिशत के आसपास था तो उसके बाद कई परिस्थितियां आई जिससे कि वो अर्थव्यवस्था में गिरावट आई विकास दर में लेकिन हम प्रजातांत्रिक देश रहे उसके बाद भी हम आगे बढ़े हैं और प्रजातांत्रिक देश रहते हुए हम और तेजी से आने वाले दिनों में आगे बढ़ सकते हैं आपने कहा कि भारत जब सौ साल आजादी का पूरा करेगा तो मैं कहा देखता हूं हो सकता है हम स्वीडन और नॉर्वे के लाइफस्टाइल तक नहीं पहुंचे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तक लेकिन हम बहुत आगे होंगे और दुनिया के दो तीन देशों में भारत की गिनती उस समय होगी अभी भी होती है जो कि बहुत उन्होंने तरक्की की बहुत आगे बढ़े और प्रजातंत्र को उन्होंने बरकरार रखा क्या इश्यू है इश्यू यह है कि प्रजातंत्र को बरकरार रखना सबसे ज्यादा जरूरी है और उसके साथ ही साथ आर्थिक विकास दर को भी आगे करना है जो कर सकते हैं और करके हम लोगों ने दिखाया जी बहुत बहुत शुक्रिया ईश्वं जी आपने बहुत जिस तरीके से आपकी जो ऑटोबायोग्राफी का टॉपिक था रिलेंटलेस उस तरह से हमारे मुझे लगता है काफी समानताएं हैं जो भारत की जो अभी जो जो सफर रहा है आजादी के बाद हम भी एक देश के रूप में एक रिलेंटलेस रहे और एक आप उसके एक बड़े एक नुमाइंदे के रूप में भी आप बड़े रिलेंटलेस रहे आपने जो भारत के बारे में जो भविष्यवाणी की आपके मुंह में घी शक्कर इस भारत अले पूरे और ये भारत का अमृत महोत्सव आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसकी हम शुभकामना कामना करते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत